भारत में 464 योगिनी मंदिर हैं, जो 2 ओडिशा और 2 मध्य प्रदेश में हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर सबसे प्रमुख और प्राचीन है। यह भारत के उन 64 योगिनी मंदिरों में से एक है जो अभी भी अच्छी दशा में बचे हैं। यह मंदिर तंत्र मंत्र के लिए काफी प्रसिद्ध था, इसलिए इस मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था। यहाँ देश विदेश से लाखों तांत्रिक तंत्र मंत्र जानने आते थे। आइए जानते हैं 64 योगिनी मंदिर के बारे में खास बातें, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। करीब 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद 64 योगिनी मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर एक वृत्तीय आधार पर निर्मित है और इसमें 64 कमरे हैं। हर कमरे में एक एक शिवलिंग बना हुआ है। मंदिर के मध्य में एक खुला हुआ मंडप है जिसमें एक विशाल शिवलिंग है। यह मंदिर 1323 ई में बना था। इस मंदिर का निर्माण क्षत्रिय राजाओं ने करवाया था। हर कमरे में शिवलिंग के साथ देवी योगिनी की मूर्ति साथ थी, लेकिन कुछ मूर्तियां चोरी हो गई, जिसकी वजह से अब मूर्तियों को दिल्ली के संग्रहालय में रखा गया है। इसी वजह से इसी मंदिर का नाम 64 योगिनी मंदिर पड़ा। यह मंदिर में 101 खंभों पर टिका हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस मंदिर को प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने इस मंदिर को आधार मनाकर दिल्ली के संसद भवन का निर्माण करवाया था, जिसकी चर्चा ना तो किताबों कहीं है और ना ही संसद की वेबसाइट पर है। मंदिर न केवल बाहर से संसद भवन से मिलता जुलता है, बल्कि अंदर भी खंभों का वैसा ही ढांचा है। स्थानीय निवासी आज भी मानते हैं कि यह मंदिर आज भी शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका हुआ है। यहाँ आज भी रात में रुकने की इजाजत नहीं है, ना तो इंसानों को और ना ही पंक्षी को। तंत्र साधना के लिए मशहूर इस मंदिर में शिव की योगिनियों को जागृत किया जाता था। 64 योगिन मंदिर को एक जमाने में तांत्रिक यूनिवर्सिटी कहलाता था। कभी इस मंदिर तांत्रिक सिद्धियां हासिल करने के लिए तांत्रिकों का जमावड़ा लगा रहता था। विदेश नागरिक भी यहां तंत्र मंत्र की विधाएं हासिल करने आते थे। आज भी कुछ तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। यहां इस मंदिर को एकंतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।